स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं केकेआर न्यूज़। मैं हूं पल्लवी। चलिए बढ़ते हैं देश और दुनिया की ताज़ा खबरों की ओर। जनपद पंचायत दीनपुर के अंतर्गत ग्राम पंचायत झापल में नल जल योजना में बड़ी लापरवाही सामने आई है। यहां के ग्रामीण अभी तक पेयजल सुविधा से वंचित है। पैसा एक्ट के तहत समिति द्वारा निरीक्षण के बाद यह खुलासा हुआ कि ठेकेदार ने केवल खाना पूर्ति कर घटिया निर्माण किया है, जिससे गांव में पानी की आपूर्ति नहीं हो पा रही है। ग्रामीणों ने बताया कि समय समय पर ठेकेदार को गुणवत्ताहीन कार्य के लिए रोका गया, लेकिन उसकी दबंगई के चलते कोई सुधार नहीं हुआ। ग्रामीणों का कहना है कि पीएचई विभाग और ठेकेदार की मिलीभगत से नल जल योजना भ्रष्टाचार का शिकार हो गई है। कई बार विधायक को भी शिकायत की गई, लेकिन अब तक कोई कार्रवाई नहीं हुई। ग्रामीण अब गंदा पानी पीने को मजबूर है और एक हैंड पंप के सहारे अपनी जरूरतें पूरी कर रहे हैं। और इनको मैंने जो ठेकेदार था उसमें एनीवाल, उनको मैंने समय समय पर ये भी कहा कि साफ कहाँ आजकल आ जाएगा, ऐसा कहते कहते आज तक साफ पानी आ ही नहीं रहा। भाईचारा पूरे ग्राम पंचायत परेशान है साहब। हम ग्राम पंचायत में जो यहाँ के जितने भी जैसे मेंबर्स है, ये सारे लोग जाएंगे और विधायक को भी इस बारे में हमने दो तीन बार विधायक को भी कहा, लेकिन विधायक इस और ध्यान नहीं देता। इसके लिए मैं सांसद महोदय से भी कह चुका एक दो बार, उन्हें भी इसमें ध्यान नहीं दे रहे, तो सीधा हम दिल्ली जाके बैठेंगे और ये कार्रवाई करवाएंगे। जो इसमें ठेकेदार है, जो भी इसमें जितने भी चोर होंगे उनके ऊपर कार्रवाई। धन्यवाद। मैं शरमलाल करोचे वार्ड क्रमांक 13 से पंच हूँ। मैं साहब जी, मैं सर जी, मैं आपसे रिक्वेस्ट कर रहा हूँ। मैं शासन प्रशासन कलेक्टर महोदय जी, विधायक महोदय जी, सांसद महोदय जी को हमने अवगत किए, पर इसके मामले में कोई कार्रवाई नहीं हो पाया। अभी हमको बहुत परेशानी झेलना पड़ रहा है पानी के मामले में। हम अभी कुएं का पानी पीते हैं। अभी क्या है कि वैसे हमारे पहाड़ी क्षेत्र है, कोई ध्यान नहीं देते, शासन प्रशासन कुछ भी नहीं ध्यान देते। हेडपम्प में नहीं आ रहा, तो यहाँ कहाँ से पानी लेके जाओगे तुम? अब घर चले जाएंगे। कहाँ से लेके आओगे? यहाँ जैसे हेडपम्प में पानी नहीं आ रहा, तो कहाँ से लेके आओगे? कुएं का पानी लाएंगे। कुएं का पानी लेके आएगा, है ना? तो पानी लाएंगे, नहीं तो वैसे कैसे रहेंगे? अच्छा, तो वहाँ पानी नहीं, कुएं में शुद्ध पानी मिलता है तुमको? नहीं मिलता है ना? कचरा, काड़ी, कीड़ा मकोड़े सब मरा हुआ रहता है। अच्छा, सब सर्दी खांसी बीमारी होती है, बच्चे उनको भी अपने को भी, मतलब स्वस्थ नहीं रह पाते अपन, नहीं है ना? वैसे भी अपन गरीब क्षेत्र है ना। मैं ये कहना चाह रहा हूँ, ये तुम्हारे यहाँ की खम्भे गड़ी है, ये पाइपलाइन का गड़े है, तो ये कब से गड़ा है? ये तो 3 साल हो गए, पूरा दिखावट में गाड़ दिया कि हम पानी देंगे, अभी तक पानी नहीं दिया। 3 साल पहले गड़ा है, अभी तक ये पानी नहीं मिला तुमको? नहीं, एक दिन भी पानी नहीं दिया। अब एक दिन भी नहीं मिला? नहीं। तो तुमने शासन प्रशासन से शिकायत नहीं की? नहीं किए अभी तक। क्यों नहीं किए? अभी तक तो नहीं किया, लेकिन करेंगे बोल रहे। तो 3 साल हो गए ना, तुमको करना चाहिए कि नहीं? तुम्हारे वार्ड में पंच है कि नहीं? पंच को बोले कि नहीं तुमने कि हमारे वार्ड में ये पानी का समस्या करके? बोल तो रहे, लेकिन अभी तक तो नहीं है। अच्छा, तो सरपंच महोदय को तुमने अवगत किया कि नहीं हमको पानी का समस्या करके? किए। तो सरपंच महोदय जी क्या बोल रहे हैं? ट्यूबवेल तो खुदा है, लेकिन उसमें बिजली का कमी है। अच्छा, बिजली का कमी है, मतलब वहाँ जहाँ पहले बोर कराए थे वहाँ पानी सक्सेस नहीं हो पाया? हाँ, तो दूसरे, तो दूसरे बोर कराए है ना? हाँ, तो उसमें बिजली नहीं है। तो उसमें पर्याप्त पानी है, वो जिसमें बाद में बोर कराए वो ट्यूबवेल बोर में पानी है, मतलब है। तो वहाँ किस चीज की कमी है तो तुमको पानी नहीं मिल रहा पाइपलाइन में? बिजली की कमी है। तो सरपंच महोदय ने आगे कुछ कार्रवाई करने के लिए कुछ शिकायत विकायत कुछ नहीं किए? नहीं किया, वो तो नहीं पता हमको। अच्छा, तो ये 3 साल हो गए है ना? हाँ। चलो ठीक है, धन्यवाद। हम शासन प्रशासन से क्या लिखते सर? मैं गुड्डू धुरवेल, अधिकारी लोगों से तो बात किया हूँ जी, एक दो बार शहीद लगभग। मैं यहाँ के कुछ मेरे बहन, कुछ हमारे जो भाई भैया लोग हैं, इनको लेके, सबको लेके मैं एक बार कलेक्टर ऑफिस भी चल दिया था जी। वहाँ भी मैंने मेरे तरफ से मतलब शिकायत कराया जी, फिर भी मेरा कोई निराकरण मतलब नहीं हुआ, मतलब कार्य नहीं हुआ। अच्छा, है ना? अच्छा। फिर क्या हुआ, एक शायद गांव वालों ने मुझे फिर एक बात रखा कि भाई हमारे यहाँ ट्यूबवेल ये जो पहले पुराना किए थे जी, इसमें कुछ पानी का कमी है जी। तो मैंने फिर एक नया ट्यूबवेल कराया।
उससे थोड़ा सा दो एक करीबन लगभग हाँ दो एक किलोमीटर दो किलोमीटर है ना, तो उसमें पानी पर्याप्त अच्छा पानी निकला, 3 से 4 इंची पानी करीबन निकला जी। पर उसपे क्या हुआ कि मतलब मैं शासन से और जो पीछे विभाग के जो अधिकारी लोग हैं इनसे भी मैंने चर्चा किया कि सर जी मैंने कहा यहाँ पे कैसे भी पानी का मतलब मैंने बोर करा के पानी तो उपलब्ध करा दिया है, पर इस पानी को गांव में पहुँचाओ सप्लाई करो तो ताकि मेरे जनता को पानी मिले है ना। तो मैंने लोगों से सबसे चर्चा की अधिकारी लोगों से, तो इनने मुझे बोला कि हो जाएगा आज हो जाएगा, आज आज मतलब आज 2-4 दिन 5 दिन बताया इन्हें कि 5-6 दिन में हो जाएगा, करते करते आज करीबन नहीं तो भी मेरे को मतलब कहना चाहिए 4 से 5 महीना 5 या 6 महीना हो गया लगभग है ना। तो फिर ठेकेदार से चर्चा किया मैंने कि भैया देखो पानी पहुँचाओ यार, मैंने कहा जनता बहुत परेशान हो रहे मेरे यहाँ बहुत, मतलब मैं जब भी गांव पे जाता हूँ जब भी गांव मोहल्ला पे घूमता हूँ तो जब भी पानी का समस्या आता है, जब पानी के लिए पूरे जनता परेशान है पानी के लिए हर बार मेरे को बोलते हैं। तो मैंने उसे चर्चा किया ठेकेदार से, तो ठेकेदार ने मुझे ये कहा कि भैया उस पर बिजली के लिए मैंने शासन को भी बोला, एक बार मैंने पेची को भी बोला, तो उस पर मेरे को मतलब मान लीजिए कि मेरे को मतलब वहाँ ये बोल रहा है कि पैसा आप 5 लाख रुपया करीबन उसका एस्टिमेट बना है। हाँ। जो अपन जो वो जहाँ से बिजली पहुँचाने के लिए पाँच लाख का एस्टिमेट उस पर करीबन बनाया उनने। हाँ। वो क्या हुआ कि अभी तक का शासन ने शायद हो सकता है ठेकेदार को पैसा नहीं दिया होगा या शासन प्रशासन की कमी है क्या है मुझे तो हम लोगों को पता नहीं है, पर अभी तक का मतलब हमारे कोई निराकरण नहीं हुआ। पर ठेकेदार ने यह बोला कि मेरे पास में पैसा अभी तक का मतलब शासन ने डाला है ही नहीं, तो मैं आपका बिजली का काम नहीं चालू हुआ। कलेक्टर के पास भी चल दिया था सर जी, मैंने एक बार कलेक्टर के पास भी गया था मैं, शायद एक पिकअप भर के पूरे पब्लिक को गांव का जो। ऐसे ही देश और दुनिया की खबरों के लिए बने रहिए KKR न्यूज़ के साथ।